आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो कलियर की सड़कों पर मांगता था भीख, जी रहा था अनाथों की जिंदगी और अचानक बन गया करोड़पति। जी हां, ये कहानी है 10 साल के नन्हे शाहजेब की, जो अभी तक पिरान कलियर की सड़कों पर लावारिश की जिंदगी जी रहा था और भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन रातों रात उसकी किस्मत कुछ ऐसी बदली कि वो अब करोड़ों का मालिक बन गया है। दरअसल शाहजेब सहारनपुर के गांव पंडोली का रहने वाला है। 2019 में उसके पिता मोहम्मद नावेद का निधन हो गया और उसे उसकी मां लेकर मायके चले गई। उसकी ससुराल वालों से नाराजगी थी। कुछ दिन यमुनानगर रहने के बाद वो बेटे शाहजेब को लेकर पिरान कलियर आ गई, लेकिन कोरोना काल में माँ की भी मौत हो गई और शाहजेब अनाथ हो गया। उसने पेट की खातिर चाय की दुकानों, ढाबों में बर्तन धोए और कुछ समय बाद वो सड़कों पर भीख मांगने लगा। बीते दिन उसके गांव से पिरान कलियर आए युवक ने उसे पहचान लिया और उसे लेकर उसके गांव चला गया। शाहजेब जब गांव पहुंचा तो पता चला कि मरने से पहले उसके दादा ने अपनी आधी जायदाद शाहजेब के नाम कर दी थी। दादा शाह आलम हमेशा कहा करते थे कि उनका पोता आज नहीं तो कल उन्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। पोते के गम में दादा चल बसे, लेकिन जाते जाते वो शाहजेब को करोड़पति बना गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।